हेलो एवरीवन, माइंड शेपर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड 5 ऑफ इंग्लिश के मुहावरे इडियम्स। और आज जिस मुहावरे के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मुहावरा है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इट्स लाइक अ कैंडल बर्निंग ऑन बोथ एंड्स बट इट्स ब्यूटीफुल। He seems to be burning the candle at both ends. The candle at both ends, eh, boy? You can burn the candle at both ends. To burn the candle at both ends का मीनिंग होता है exhaust oneself by working too much, going to bed late and getting up early. मतलब बिना आराम के और बिना रुके लगातार दिन रात काम करना, जल्दी सुबह से देर रात तक। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, इस काम को पूरा करने के लिए तो हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी नीड टू बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स टू फिनिश दिस वर्क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अपनी नई नौकरी में दिन रात मेहनत कर रहा हूं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बर्निंग कैंडल एट बोथ हैंड्स इन माई न्यू जॉब। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे अपने भाई की चिंता हो रही है, वो पिछले कुछ दिनों से दिन रात काम में लगा है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वरीड अबाउट माई ब्रदर, ही हैज बीन बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स फॉर लास्ट फ्यू डेज। एक लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मेरी बहन डॉक्टर बनने के पीछे पागल है और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे माई सिस्टर इज ऑब्सेस्ड विद बिकमिंग डॉक्टर, फॉर दिस शी हैज बीन बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें सीखे गए इडियम को आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करके उसको बहुत ही इंप्रेसिव बना पाएंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।